आज के एपिसोड में मिस्ट्री मूवी के इर्द गिर्द घूमते हुए घटनाओं का अंत होगा, मगर इसे समझने के लिए आपको पिछले 3 एपिसोड्स को देखना पड़ेगा। तो बिना और वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एक घबराए हुए होतारो को मायका कहती है कि मूवी में कैमरामैन को सातवां किरदार बनाना बहुत अमेजिंग था और एंडिंग भी अम्यूजिंग था, मगर कहीं पर भी रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया गया। लड़खड़ाते हुए सुर में होतारो कहता है, ट्रिक में रस्सी का होना ज़रूरी नहीं था। तो मायका कहती है, अगर ऐसा होता तो होंगो क्यों रस्सी को इतना इम्पोर्टेंस दे रही थी। अब होतारो के फीके चेहरे को देखकर मायका कहती है, तुम चिंता मत करो, एंडिंग ने मुझे सरप्राइज कर दिया। मगर फिर भी मुझे लगता है कि ये ट्रिक सारे क्लू से मेल नहीं खा रही है। ये कहकर वो वहाँ से मांगा सोसाइटी की तरफ चल देती है, क्योंकि उससे वहाँ पर कुछ काम है। होतारो हॉलवे में चलते हुए जा रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने ऐसी गड़बड़ी कैसे कर दी। वो आगे बढ़ता जा रहा है और सातोशी के पुकार को भी नहीं सुनता है। सातोशी जब उसे पीछे से टच करता है तो वो डर जाता है। पहले तो सातोशी पूछता है कि कहीं मायका तो पास नहीं है। होतारो बता देता है कि वो मांगा सोसाइटी में बिजी होगी और सातोशी कहता है अब तक चिटांडा भी घर चली गई होगी। अब होतारो समझ गया है कि सातोशी उसे सीक्रेट में कुछ कहना चाहता है। सातोशी का सवाल है कि यह ट्रिक उसकी है या फिर होंगो की। वो कहता है होंगो की, तो सातोशी निराश होकर कहता है कि उसे नहीं लगा था कि होंगो सच में ऐसी एंडिंग चाहती थी। होतारो कहता है, लगता है तुम्हारे पास एक सॉलिड रीज़न भी है जिसका जवाब है हाँ। तो वो कहता है, मूवी में इतनी बड़ी इनकंसिस्टेंसी थी और मुझे पता तक नहीं चला। सातोशी कहता है, मूवी इनकंसिस्टेंट नहीं थी बल्कि एंडिंग तो गजब की थी। सातोशी उसे कहता है, तुमने नैरेटिव ट्रिक के बारे में तो सुना होगा जिसमें रीडर्स को कहानी पढ़ने के दौरान छलावे में फंसाया जाता है। होतारो ने इसी ट्रिक को मूवी के एंडिंग सीन में यूज़ किया है। अब सातोशी कहता है कि तुम्हें तो पता है कि होंगो ने मिस्ट्री लिखने के लिए होम्स की किताबें पढ़ी थी जिसमें नैरेटिव ट्रिक यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि ये ट्रिक क्रिस्टी के बुक्स में यूज़ होता है। यहाँ से वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि होंगो क्रिस्टी नहीं पढ़ती थी और ये मूवी मेरे स्टाइल को सूट करती है। अगर ये तुम्हारा आइडिया था तो सब ठीक है, मगर तुम इसे होंगो का आइडिया कहोगे तो ये पूरी तरह से झूठ है। अब होतारो अपनी फुटिंग बनाने के लिए कहता है, शायद उसने किसी दूसरी बुक या मूवी से ये ट्रिक उठाया होगा। सातोशी उसे रोक कर कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? एक और बार सातोशी कहता है, अगर तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है तो मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वो जाने लगता है और होतारो उसे रोकने का प्रयास तक नहीं कर पाता है। होतारो अपने घर के लिए निकलने वाला है और तब चिटांडा से उसकी मुलाकात होती है। वो दोनों रास्ते में बात करते हुए जा रहे हैं और होतारो बात शुरू करते हुए कहता है कि कहीं उसे भी मूवी के बारे में तो बात नहीं करनी है, और ये भी बता देता है कि मायका और सातोशी इस बारे में उससे कुछ ना कुछ कह चुके हैं। चिटांडा उसे नदी किनारे आगे की बातें करने के लिए कहती है और हम पहुँच जाते हैं एक अच्छे से नए लोकेशन पर। फिर से होतारो शुरू करते हुए कहता है कि क्या उसे मूवी पसंद नहीं आई, जिसका जवाब है नहीं। उसे असल में मूवी के एंडिंग नहीं बल्कि होंगो में इंटरेस्ट है। उसे ये बात अजीब लगी कि आखिर इरिसू ने एंडिंग के लिए होंगो के किसी करीबी इंसान या फिर इबा से क्यों बात नहीं करी। होतारो कहता है, शायद बाकी सब होंगो को थोड़ा स्पेस देना चाहते थे, जिससे चिटांडा सेटिस्फाइड नहीं होती है और कहती है शायद होंगो पहले से जानती थी मूवी का अंत कैसे होगा, इसीलिए कोई ना कोई उससे एंडिंग पूछ सकता था, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी बेस्ट फ्रेंड इबा मूवी में मदद नहीं करती। अब पहले की तरह होतारो अपना फुटिंग खड़ा करने के लिए कुछ सवाल करता है, जिनको चिटांडा इजीली काउंटर कर लेती है और कहती है अगर होंगो पहले से ये एंडिंग चाहती थी तो उसे इसको शेयर करने में दिक्कत नहीं होती, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके मन में कोई और ही एंडिंग थी। इसीलिए चिटांडा को जानना है कि क्यों होंगो चुप रह गई, क्योंकि मूवी से वो अपने इमोशन जाहिर कर रही थी मगर एंडिंग से ऐसा कुछ पता नहीं चला कि वो क्या कहना चाहती थी। ये सुनकर होतारो के लिए वक्त रुक जाता है और वो सोच में पड़ गया है। एक तरफ वो सोच रहा था कि मूवी की लिखावट में गड़बड़ी है, मगर वो भूल गया कि इसमें होंगो की फीलिंग्स भी लिपटी हुई रह सकती हैं। वो समझ जाता है कि उसने डिटेक्टिव का नहीं बल्कि स्क्रिप्ट राइटर का काम किया, मगर ये उसके पल्ले नहीं पड़ रहा है कि उससे गलती क्यों हुई। आखिर में वो अपने रूम में आ गया है। अभी तक उसके पास कोई आइडिया नहीं है और वो इतना जानता है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, क्योंकि फिल्मिंग पूरी हो चुकी है। अपना सिर हिलाते हुए वो बेड से बहुत ज़ोरदार नीचे गिरता है
और तब उसे एक आइडिया आता है कि उसे बुक पढ़नी चाहिए। वो अपनी बहन के कलेक्शन से टैरोट कार्ड्स वाला एक किताब निकालता है। सबसे पहले वो दी एम्प्रेस यानी इरिसू के कैरेक्टर से शुरू करता है और एक एक करके सबके कैरेक्टर्स को देखता है। फाइनली जब वो खुद को स्ट्रेंथ से कंपेयर करता है तो वो सातोशी के उसे ऐसे कहने के रीज़न को समझ नहीं पाता है। थोड़ा नीचे देखने पर पता चलता है कि स्ट्रेंथ का सिंबल है एक शेर, जिसको एक दयालु औरत काबू में रखती है। अब होतारो समझ गया है कि सातोशी उसे क्या कहना चाहता था और वो किताब को फेंक कर फिर से सोने लगता है। और वो मन ही मन में कहता है कि मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना मेरी बहन, ना चिटंडा और ना ही इरिसू। अब वो सोचता है कि सातोशी कितना चालाक है कि उसने टैरोट कार्ड से उसे इतना बड़ा हिंट देने की कोशिश की। मगर ऐसा नहीं है कि इससे उसका नज़रिया बदलेगा या फिर वो बदल गया है। अगले दिन होतारो स्कूल में रुका हुआ है और इरिसू से मुलाकात होती है। इरिसू फिर से हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उसे सेलिब्रेशन में इनवाइट करती है, जिसको होतारो ठुकरा देता है और कहता है कि उन्हें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। अगले सीन में हम फिर से उसी कैफे में आ गए हैं और चाय ऑर्डर करने के बाद होतारो सवाल करता है कि उसके पास कौन सा टैलेंट है। इरिसू कहने लगती है कि उसकी डिडक्शन स्किल्स अच्छी हैं, तो होतारो ऊंची आवाज़ में उसे रोकते हुए कहता है, मैं मूवी का डिटेक्टिव नहीं था बल्कि मैं तो उसका मिस्ट्री राइटर था, है ना। इरिसू की बोलती बंद हो जाती है और वो पूछती है उसे पता कैसे चला, तो होतारो शर्लॉक होम्स की किताबों में जो नोट्स थे उसको निकालता है। पहली नज़र में तो वो बस साधारण से लग रहे थे, मगर जब सातोशी ने उन नोट्स की छानबीन की तो पता चला कि होंगो उन मिस्ट्रीज को अलग रख रही थी जिसमें कैरेक्टर्स की मौत होती है, जिससे समझ में आता है कि वो खून खराबा नहीं बल्कि हैप्पी एंडिंग वाली कहानियाँ ज़्यादा पसंद करती थी। ये जानने के बाद होतारो समझ पाया कि क्यों होंगो ने थोड़े से ब्लड के लिए कहा था, और उनके क्लास के वोटिंग से भी कई बातें पता चली। होंगो के क्लास के वोटिंग रिजल्ट्स को देखकर इरिसू भी उसके इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाती है। वहाँ पर होतारो दिखाता है कि एक बंदे ने मूवी में 100 किल्स के लिए वोट किया था, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं, और दूसरी तरफ किसी ने 0 किल्स के लिए भी वोट किया था, जो ज़रूर होंगो होगी। फिर होतारो कहता है अगर होंगो स्क्रिप्ट लिख रही होती तो किसी की भी मौत नहीं होती, मगर शूटिंग क्र्यू ने कहा कि वो कभी लोकेशन पर नहीं आती थी और स्क्रिप्ट में भी कहीं पर काइटो मर जाता है लिखा हुआ नहीं था। चाय की एक घूंट पीने के बाद होतारो कहता है अब तक मैंने जो कहा सब स्पेकुलेशन है और मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, मगर फिर भी मुझे पूरी बात कहनी होगी। वो कहता है होंगो ने मूवी को देखा जो कि उसके हिसाब से ठीक नहीं था, मगर अपने क्लासमेट्स को वो फिर से शूटिंग करने के लिए कहने से डरती थी क्योंकि उसने वोटिंग रिजल्ट्स को इग्नोर करके ये स्क्रिप्ट लिखा था। होंगो की तकलीफ को देखकर इरिसू आती है और उसे बीमारी के बहाने चले जाने को कहती है। अब आगे की मूवी कंप्लीट करने के लिए इरिसू होंगो के क्लासमेट्स से थ्योरीज लेती है, जो कि असल में स्क्रिप्ट राइटिंग कॉन्टेस्ट की तरह था। उनकी थ्योरी से काम नहीं बनती है तो इरिसू क्लासिक्स क्लब को भी इन्वॉल्व करती है। अब होतारो को अपने ऊपर गुस्सा आता है और वो बताता है कि कोई भी उसकी चाल को समझ नहीं पाया और उसने उसको भी बहका कर स्क्रिप्ट राइटर का काम करवाया और इस आइडिया को मूवी में भी यूज़ कर लिया ताकि होंगो की फीलिंग्स को ठेस ना पहुँचे। फिर से वो कहता है हम जब पिछली बार आए थे तो तुमने कहा था अपने टैलेंट से अनजान व्यक्ति दूसरों को दर्द देता है, सच बताओ ये एक मजाक था ना, तुम्हें तो सिर्फ रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है। इरिसू कहती है तो क्या हुआ। अब होतारो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है जब तुमने मुझे कहा कि मेरे पास टैलेंट है तो क्या वो सिर्फ होंगो के लिए था, और क्या तुम तब भी झूठ बोल रही थी जब तुमने कहा कि दूसरों को अपने टैलेंट की परवाह होनी चाहिए। अब वहाँ पर एक अजीब सा शांत माहौल बन जाता है। तुरंत इरिसू के चेहरे पर रोशनी गिरती है और वो कहती है उस दिन मैं जो सोच रही थी ये वो शब्द नहीं है, इन्हें तुम सच या झूठ मानो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये सुनकर लग रहा है कि होतारो काफ़ी निराश है और कहता है ये सुनकर काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब हम देखते हैं कि होतारो चलते हुए आ रहा है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। उसके हरकतों से लगता है कि वो अभी भी काफ़ी गुस्से में है और उसकी काफ़ी सटकी हुई है। हम फिर से लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और अभी भी क्या बातें चल रही है कुछ समझ में नहीं आता है, मगर इतना तो पता चल गया कि वो लैपटॉप यूज़र इरिसू है। काफ़ी देर तक चैटिंग के बाद उनमें से एक लॉग आउट करता है और ये सीन ख़त्म होता है। तो हम फिर से स्कूल पहुंच गए हैं और क्लब रूम में होतारो आलसी आदमी की तरह पड़ा हुआ है और चिटंडा उसे घूर रही है। चिटंडा को देखकर वो कहता है क्या बात है,
चिटंडा कहती है कुछ नहीं तो वो चिटंडा की मन की बात को खुद ही कह देता है। वो कहता है होंगो ने असल में कैसी स्क्रिप्ट लिखी थी, मुझे जानना है। चिटंडा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है तुम खुद की तरह बर्ताव नहीं कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है तुम भी थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो। अब एक हल्की सी सांस लेने के बाद चिटंडा अपने करेक्ट पोस्चर में आकर होतारो ने जो सवाल किया था वो पूछती है। होतारो अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए कहता है अगर काइटो मरा नहीं होता तो लॉक्ड रूम मिस्ट्री खड़ी नहीं होती। मूवी में कल्प्रिट होती कोनोसुजो खिड़की का यूज़ करती। खिड़की के बारे में सुनकर चिटंडा चौंक जाती है। तो होतारो कहता है बगल के रूम में खिड़की से लटक कर कोनोसु नीचे आकर काइटो पर हमला करती है और उसी रास्ते से निकल जाती है और सबके साथ फिर से मिल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब चिटंडा कहती है तो इसीलिए होंगो ने कोनोसु को गुड लक कहा था। यहाँ फिर से चिटंडा के मन में सवाल आता है कि आखिर होंगो एक सातवें किरदार को क्यों ढूंढ रही थी। होतारो एक्सप्लेन करता है कि एक नए किरदार का मतलब सिर्फ एक नया एक्टर नहीं है बल्कि एक क्रू मेंबर भी हो सकता है और वो कैरेक्टर है मूवी का नैरेटर जो कि मूवी के इंसिडेंट्स को बता रहा था। अब चिटंडा के सवाल क्लियर होने लगते हैं और वो कहती है रूम लॉक कैसे हुआ। वो फिर से एक्सप्लेन करता है और कहता है कि काइटो के ऊपर हमला होने के बाद उसने बचने के लिए खुद को रूम में लॉक कर लिया मगर ये गलत भी हो सकता है। अब चिटंडा कहती है लगता है कि मैं होंगो को थोड़े और बेहतर तरीके से समझने लगी हूँ। वो कहती है काइटो के ऊपर हमला होने के बाद उसने कोनोसु से इसका कारण पूछा होगा और उसे बचाने के लिए उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया होगा मगर चिटंडा को नहीं पता कि काइटो अपनी चोट के बारे में कैसे एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर होतारो कहता है टूटा हुआ ग्लास कब काम आएगा बहाना बनाने के लिए। यहाँ पर होतारो थोड़ा निराश है क्योंकि जब तक होंगो खुद नहीं कहती है तब तक हमले का असल कारण पता नहीं चलने वाला है। ये सुनकर भले ही मन में कई और सवाल क्यों ना हो चिटंडा को थोड़ी सी खुशी मिलती है। उसकी शक्ल को देखकर होतारो पूछता है कि कहीं तुम्हें पहले से तो पता नहीं था कि होंगो क्या सोच रही थी। चिटंडा थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि अभी मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनकर तुम प्लीज़ हंसना मत। वो कहती है कि उसे लगता है कि होंगो और वो दोनों एक जैसे हैं, मतलब यह है कि उसे भी वो स्टोरीज पसंद नहीं है जिसमें कैरेक्टर्स की मौत होती है। आखिर में होतारो कहता है अब हुई ना चिटंडा वाली बात। यहाँ पर अंत होता है एक और लंबी मिस्ट्री का और नेक्स्ट एपिसोड से हम देखेंगे कल्चरल फेस्टिवल के बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया और जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।